भिंड के लहार में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गोविंद सिंह की लहार स्थित कोठी के सीमांकन के मामले पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जीतू पटवारी ने कहा कि यहां लहार में प्रशासन माफिया है, बीजेपी के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता को जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये बदलापुर सरकार है, इसके खिलाफ हमारी जंग चलती रहेगी। खनिज माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और राजनीतिक माफिया, हर तरीके के माफिया सरकार चला रही है। इतने वरिष्ठ नेता और एक है प्रशासन माफिया, इसी में एक है प्रशासन माफिया जो पोस्टिंग लेता है रिश्वत देके, सरकार के नेताओं को बड़े पैसे देकर कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, थाने सब खरीद लेते हैं और उसके बाद अत्याचार और अनाचार बीजेपी के हिसाब से करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, जहां होगा अत्याचार कार्यकर्ता और जनता पे, खुद जाकर एफआईआर कराएंगे उस अधिकारी की जिसने अन्याय किया है। इधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो भी अधिकारी संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाएगा तो उसके खिलाफ मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह बहादुर व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति जिसके तनख्वाह हमारे खजाने से निकलती है, वो अगर संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा, यदि वो नियम और कानून का पालन नहीं करके कांग्रेस के लोगों को झूठा फंसाएगा, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति के खिलाफ नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं भिंड से। डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहादुर व्यक्ति है, उन्होंने तो भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन कई बेचारे छोटे गरीब लोग हैं। बता दें कि एमपी कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेसी भिंड में उमड़े और गोविंद सिंह की कोठी के सीमांकन मामले में अपना विरोध जताया। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।